नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी एम टेक टिप चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अपडेट चैनल के रिलेटेड। आज मैं आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करूँगा और मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको फास्ट रिप्लाई, आपको टेक सपोर्ट या किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आपको क्या क्या करना है, किस तरह से मुझे हेल्प लेनी है, ये सब के बारे में आज के वीडियो में डेट में बात करने वाले हैं। तो ये सब को जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। देखिए, सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो है चैनल का नाम। तो काफ़ी सारे यूज़र मुझे कमेंट में पूछ रहे कि आपने चैनल का नाम कब और क्यों चेंज किया। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारे चैनल का नाम था वो था वीवो, अब हमने चेंज करके इसका नाम रख दिया है बी एम टेक टिप। अब देखिए, रीज़न क्या है चैनल का नाम चेंज करने का, तो रीज़न कुछ खास नहीं है, लेकिन जो कि जो पहले मैंने चेक किया था कि हमारे चैनल पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो बने थे, फिर भी जो एक भी वीडियो रैंक नहीं हो रहा था। इसके जो टोटल व्यू 100, 100, 200 ऐसे व्यू आ रहे थे पर डे। इसका मतलब कि मुझे लग रहा था कि जो यूट्यूब पे रैंक नहीं हो रही है और सर्च के अंदर भी नहीं आ रहे थे एक भी वीडियो, तो यही रीज़न से मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। वैसे हमारी जो वेबसाइट है vivom.com वो तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन जस्ट हमने चैनल का नाम ही चेंज किया है ताकि आसानी से आप इसे सर्च कर सको और आने वाले टाइम पे इस पर आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाला है, वो भी सभी प्रकार की कैटेगरी पे। और हो सके तो मैं हिंदी के अंदर एक जो वेबसाइट बनाने वाला हूँ इसके अंदर आपको, देखिए bmtechtips.com, इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हिंदी में मिल जाएगी जो कि सभी आर्टिकल डिटेल में होगा। तो ये सब कुछ मेरा प्लानिंग है और आने वाले समय में आपको बहुत ही सारा कुछ हेल्प मिलने वाला है टैक्स के अंदर। तो ये जो कुछ खास नहीं था, लेकिन ये जस्ट एक रीज़न था कि मैंने चैनल का नाम चेंज किया है बी एम टेक टिप्स, ऐसा पहले व्यूम था अब बी एम टेक टिप्स है। तो कुछ खास रीज़न नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैंने चेंज किया था। मुझे लगा था कि कुछ ऐसी और रैंकिंग में कुछ इफेक्ट आया और बहुत ही सारा इफेक्ट आया। वैसे आप देख सकते हैं, देखिए रिसेंटली जितने भी वीडियो है इस पे व्यू भी अच्छे खासे आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। मैंने जुलाई महीने के एक वीडियो में बताया था कि हम सितंबर के एंड में हमारे 20,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करेंगे, लेकिन चैनल का नाम चेंज करने के बाद मुझे लगता है कि हम 10 गुना ज़्यादा स्पीड से हमारे सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर रहे हैं। अब देखिए 18,000 होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अगस्त के एंड में हम 20,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात होगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो 20,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाए। इसके बाद जो एक अपडेट तो नहीं, लेकिन आपको मैं एक जो नोटिफाई करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है या तो आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की लिंक मत ऐड कीजिएगा ताकि आपके कमेंट देखिए स्पैम ना हो। अब देखिए, आपको मेरे यहाँ पे आपको दिखा देगी 116 कमेंट, जो कि सभी कमेंट स्पैम हैं और स्पैम कमेंट मैं कभी रीड नहीं करता, डायरेक्टली इसे रिमूव कर देता हूँ। तो बने इतनी आप कोशिश कीजिए कि कमेंट्स के अंदर आप आपकी लिंक ऐड ना कीजिए। अब देखिए, रिसेंट आपको कमेंट दिखा देगी, एक कमेंट पूरी डिटेल में, लेकिन इसके अंदर आपको एक भी प्रकार की लिंक नहीं शो होगी। तो एक कमेंट मेरे पास आएगी और इसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगा। देखिए, मैंने रिप्लाई भी यहाँ पे किया है। अगर मुझे लगता है कि जो किसी भी पर्सन के साथ मुझे डिटेल में डिस्कस करना पड़ा, तो मैं इसको फेसबुक का जो पेज है इसकी लिंक देता हूँ, तो डायरेक्टली हम इनबॉक्स में डिस्कस करते हैं। अगर लिंक भी अगर शेयर करनी है, किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट शेयर करना है, स्क्रीनशॉट देखने के बाद मैं आपको अच्छी तरह से हेल्प कर पाऊँ, तो ये सभी बातें। और जितनी भी कमेंट्स के अंदर लिंक नहीं होगी वही कमेंट अप्रूव होगी, इसका ही मैं रिप्लाई करूँगा। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे स्पैमर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करने के लिए कमेंट्स के अंदर वेबसाइट की लिंक ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली इसकी कमेंट कभी अप्रूव नहीं होगी। और देखिए, अगर हैंड ऑफ रिव्यू होगी तो मैं शायद कमेंट को देखूंगा, लेकिन अगर स्पैम कमेंट है तो डायरेक्टली इसी कमेंट को मैं सभी कमेंट को सिलेक्ट करके एक साथ रिमूव कर देता हूँ। तो हो सके तो आप कमेंट्स के अंदर कभी भी लिंक ऐड मत कीजिएगा। इसके अंदर फेसबुक पेज की बात करें, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो फेसबुक पे आप कभी भी और किसी वक्त मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं हो सके तो इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेज का URL मिलेगा, वहाँ तक आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम WhatsApp की बात करें। अब देखिए, आपको किसी पर्सन का नंबर नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैसेज दिखाई देगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको WhatsApp की मदद से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर देता हूँ, WhatsApp नंबर,
मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ जाकर आप डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और एवरीडे 6 PM to 7 PM 1 आवर्स में सभी को हेल्प करता हूँ व्हाट्सएप की मदद से। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जनरली आपको यहाँ पर देखे देगा। अब देखिए काफ़ी सारे यूज़र क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, हाय हेलो कैसे हो क्या कर रहे हो सर ऐसा। तो देखिए ऐसे मैसेज आप मत सेंड कीजिएगा, डायरेक्टली आप किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो इसे डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल करके, अब देखिए आपको दिखा देगा कितने सारे मैसेज हैं जो कि मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा, रीज़न ये की है कि जो ये सभी मैसेज है इसके अंदर इसी प्रकार की डिस्कशन है कि आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, इस तरह का हाय हेलो। तो ऐसे मैसेज मत कीजिएगा, डायरेक्टली आप किसी भी जो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है इस पर आए। जैसे कि देखिए ये मैसेज देखिए इस पर लिखा होगा, देखिए जैसे कि देखिए डायरेक्टली जो इसका इशू है वो मेरे साथ डिस्कस किया। तो जैसे मैं इस नंबर को ओपन करूँगा तो डायरेक्टली मेरे पास इशू आएगा और रीड करके मैं इसका जो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन दूसरा नंबर देखिए आपको देखा था गुड मॉर्निंग, इसके बाद कुछ इमेजेस सेंड करते हैं तो डेफिनेटली इसका रिप्लाई इसको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको फास्ट रिप्लाई चाहिए तो डायरेक्टली आपको आपके प्रॉब्लम पे आना है ताकि मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकूँ कि आपको इस प्रकार की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इस तरह से। अब देखिए हाय हेलो कैसे हो क्या कर रहे हो ये सभी रीड करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए जस्ट 1 आवर्स व्हाट्सएप के लिए निकलता हूँ। तो डेफिनेटली आपको डायरेक्टली आपका जो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है वो मेरे साथ आपको डिस्कस करना चाहिए। तो ये होगी सभी अपडेट और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग मुझे बहुत हेल्प करोगे। आने वाले टाइम में हमारे जो 20,000 सब्सक्राइबर कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए, तो आपके फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को, हमारे वीडियो को। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो कम से कम समय में हम 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाए। इसके बाद देखिए वीडियो आप देख रहे हो तो आने वाले यानी कि इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वेबसाइट को। अगर आपकी वेबसाइट है गूगल के अंदर रैंक नहीं हो रही है तो इसके जो बिहाइंड रीज़न क्या है, आपके साथ क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं हो रही है या तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहे हैं, तो ये सभी कॉमन जो मिस्टेक के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले वो भी जो डिटेल में। तो अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ कम ट्रैफिक आ रही है, आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं हो रही है, अगर ये सभी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आने वाला वीडियो देखना मत भूलिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो ये सभी अपडेट थी, आशा करता हूँ आपको ये अपडेट बहुत ही पसंद आई हो। और साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी तक देखिए आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए ये मेरे नाम से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो जिसके अंदर मैं ब्लॉग गेमिंग वगैरह वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और ये फन टाइप वीडियो होते हैं, तो ये सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ जाके आप आसानी से ब्लॉग जैसे चैनल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये सभी अपडेट थी और ये तो बस आज के वीडियो में रही तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद है, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।